हाय गाइस, ये शहजाद अहमद एंड वेलकम इलेक्शन नंबर 40। आज हम हेडिंग एंड पैराग्राफ के बारे में देखते हैं। हेडिंग एंड पैराग्राफ यूजिंग बूटस्ट्रैप एंड हम थोड़ा सा जो डिफरेंस है हमारा सिंपल एचटीएमएल एंड यूजिंग बूटस्ट्रैप में क्या डिफरेंस है। सेम स्ट्रक्चर है हमारा सारा, हमने बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस की फाइल अटैच की हुई है बिकॉज हम बूटस्ट्रैप जो फाइल है हमारी सी एस एस की, जाहिर सी बात है एक्सटेंशन डॉट सी एस एस है जो सी एस एस की फाइल है, बूटस्ट्रैप की जो पैकेज के साथ आई है, हम उसकी फंक्शनैलिटीज़ यूज़ कर रहे हैं बिकॉज बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ बनी हुई हैं। जस्ट हम क्लास देके कॉल करवा रहे हैं। जैसे आपने देखा कि कंटेनर्स, रो, कॉलम्स, जस्ट हम क्लास दे रहे हैं, अदरवाइज सेम चीज़ें कॉल हो रही हैं एंड हमें हाइट विड्थ देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप शुरू से लेके देखते हुए आ रहे होंगे कि हमने हाइट एंड विड्थ जो है बहुत कम यूज़ की है, ना होने के बराबर। हम जब बॉर्डर देते हैं तब जो है मिन हाइट देते हैं बिकॉज हमारे पास कंटेंट नहीं होता। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे पास हेडिंग है, हेडिंग वन, दिस इज H1। ठीक है, क्लोन बनाते हैं कुछ। आपको पता है कि हमारे पास हेडिंग टू है एंड हमारे पास हेडिंग थ्री है एंड हमारे पास हेडिंग फोर है एंड हेडिंग फाइव है एंड हेडिंग सिक्स है हमारे पास। इनको क्लोज भी करना है, जाहिर सी बात है टैग स्टार्ट हुआ है हमारा, तो टैग हमें क्लोज भी करना है। ठीक है, फाइव एंड देन सिक्स, सिक्स हेडिंग्स हैं हमारे पास। ठीक है, हम जैसे ही वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर को, आप देख सकते हैं कि वन टू थ्री एंड फोर एंड फाइव एंड देन सिक्स। वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं हमारे पास हेडिंग्स हैं जो बूटस्ट्रैप की हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं, हम बूटस्ट्रैप की क्लास जो हमने अटैच की हुई है उसे हम हटा के देखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपकी हेडिंग कुछ इस अंदाज में शो हो रही है बिकॉज कंटेनर जो हमने बनाया हुआ है वो बूटस्ट्रैप की हमने फाइल तो हटा दी, दैट्स वाई उसे क्लास नहीं मिल रही, इसी वजह से वो कंटेनर से बाहर आ गया है। ठीक है, तो जैसे ही हम फाइल वापस लेके आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी जो हेडिंग्स हैं वो थोड़ी सी चेंज हो चुकी हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं तो बूटस्ट्रैप, ठीक है, फर्स्ट बूटस्ट्रैप जो H1 है हमारा, वो बूटस्ट्रैप की क्लास 36 पिक्सल है। 36 पिक्सल्स बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, अगर हम बूटस्ट्रैप की एक जो है फाइल हटाते हैं, आप देख सकते हैं कि हमने बूटस्ट्रैप की फाइल हटाई है। ठीक है, हम रिफ्रेश करते हैं, वापस H1 पे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज 2M मीन्स 32 पिक्सल्स हैं। 1EM मीन्स 16 जो है वो पिक्सल्स के बराबर होता है, 1EM। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा जो है बूटस्ट्रैप का एंड सिंपल जो आप H1 लिख रहे हैं बूटस्ट्रैप में जो है पिक्सल्स में डिफाइन की गई है। दूसरी बात यह है कि अगर आप H1 सिंपल लिखते हैं तो भी आपका वर्क जो है वो करेगा। अगर आप क्लास देते हैं अगर आप फॉर इंस्टेंस H1, ठीक है, H1 की आप क्लास देते हैं एंड नीचे आके आप H2 की क्लास देते हैं। ठीक है, एंड फिर आप H3 की क्लास देते हैं, तो ये सेम जो है अफेक्ट आएंगे जैसे आपके पहले आ रहे थे। ठीक है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि H1 ये .H1 से कॉल किया गया है। ठीक है, तो आप चीज़ें ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं एंड हम पैराग्राफ देखते हैं हमारा। ठीक है, पैराग्राफ एक बना के देखते हैं, हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। दिस इज सिंपल पैरा। ठीक है, वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, पैराग्राफ पे जाते हैं हम। ये देखें हमारे पास पैराग्राफ है, क्लिक करते हैं, ये देखें आप जो बॉडी है हमारी, सबसे पहले हम बॉडी पे आते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बॉडी पे उन्होंने क्या लगाया हुआ है हम आपको अभी दिखाते हैं। ठीक है, हम बॉडी पे आते हैं, ये हमारा बॉडी पैराग्राफ वन, 1EM 16 पिक्सल के बराबर है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ वन एंड बॉडी में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हर फॉन्ट जो है वो
14 पिक्सल्स का है हमारे पास फॉन्ट साइज जो हमारी है ना वो 14 पिक्सल्स है। ये सिंपल जो है वो पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं जैसे ही हम इसे इंक्रीज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका जस्ट पैराग्राफ जो है अफेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स जो आपके पास बाय डिफॉल्ट जो है वो पैराग्राफ है बूटस्ट्रैप का वो 14 पिक्सल्स का ही आता है, ठीक है। आप अगर बूटस्ट्रैप की क्लास हटा दें, सॉरी फाइल हटा दें एंड सेव करके रिफ्रेश करें दोबारा, तो हम जाके दोबारा देख सकते हैं कि ये 1 EM मीन्स 16 पिक्सल्स का है हमारे पास ये। एंड आप बॉडी में देख सकते हैं कि बॉडी आपकी बिल्कुल क्लीन है, बॉडी कहीं पे भी नहीं है बिकॉज हमने फाइल हटा दी है। हम फाइल वापस लेके आते हैं एंड आप देख सकते हैं कि वैसे बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल्स का होता है हमारा एंड लेकिन अब हमारे पास 14 पिक्सल्स है, ठीक है। जो हम पैराग्राफ लिखेंगे वो 14 पिक्सल के ही बराबर होगा बिकॉज 14 पिक्सल्स हैं। एंड लाइन हाइट जो है आपकी जो है 1.42, आप देख सकते हैं कि और भी नंबरिंग है। जैसे ही आप लाइन हाइट बढ़ाएंगे आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो डिफरेंस आएगा। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे एक और जो है वो पैराग्राफ बनाते हैं एंड लिखते हैं दिस इज अनदर पैरा, ठीक है। वापस चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं लाइन हाइट जो है वो क्या डिफाइन कर रही है, वो इन दोनों के दरमियान फासला जो है कितनी हाइट हो आपके लाइन की, ठीक है। 1.0.1 आप देख सकते हैं कि लाइन जो है वो कितनी आए अपने वो पैराग्राफ की। फिलहाल जो है हम 0 पॉइंट करते हैं, आप देख सकते हैं दोनों जो है वो पैराग्राफ मिले हुए हैं। जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं बाय डिफॉल्ट जो है लाइन हाइट जो दी हुई है उन्होंने 1.42857143 एंड कलर जो आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट जो है वो फॉन्ट्स को, ठीक है। अगर अगर आप यहाँ से कलर रेड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जितना भी कलर है आपका कंटेंट H1 इंक्लूडिंग पैराग्राफ स्मॉल जितने भी वो लेटर्स हैं वो रेड हो जाएंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट बूटस्ट्रैप ने ये कलर दिया हुआ है जो है हेक्सा की वैल्यू है H333, इसी वजह से ये इस तरीके से शो हो रहा है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन ताकि आपको जो है वो पता चले कि उन्होंने क्या किया हुआ है एंड आप चीज़ें जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।